गुड मॉर्निंग दोस्तों, अज असी 32 सैक्टर जमालपुर के स्कूल के बाहर आए हैं और इस स्कूल दे विच प्रॉब्लम क्रिएट हुई सी किसी पेरेंट्स के नाल कि बच्चों नू एनुअल चार्ज के नाँ पर प्रैशराइज किया जा रहा सी कि जमा करवा और वो 6-7 दिन तो पेरेंट्स अपने बच्चे नू घरे बिठा के बैठे सी। वो पेरेंट्स ने किसी साडे सज्जन मित्र नाल गल की तो वो सज्जन मित्र ने साडे नाल गल की तो असी उस मुद्दे के उत्ते काम करना शुरू किया। तुसी देख सकते हो इस टाइम मॉर्निंग सवेर का टाइम है और असी स्कूल के बाहर खड़े हाँ 32 सैक्टर के और असी इस स्कूल दे विच आए हैं और अपने पेरेंट्स का जिहड़ा प्रॉब्लम सी उसनू हल किया। सर तुसी देख सकते हो कि असी ऑन वे इस वाले उस रोड पर खड़े हाँ, स्कूल के बाहर खड़े हैं और जेडे पेरेंट्स साढ़े नाल जिन्ह ने सहयोग दिता वह भी साढ़े नाल इतने ने और रंजन जी जिन्होंने ये मुद्दा साढ़े तक पहुँचाया और असी उस मुद्दे नू अज और मैं पूरी तह दिलों शुक्र गुजार हाँ अपनी 32 सैक्टर पेरेंट्स एसोसीएशन की टीम का, स्पैशली राजीव शर्मा जी का जिन्होंने इस मुद्दे नू जाके सॉर्ट आउट कराया नाल साढ़े और मैं इन्हों भी धन्यवाद करदा कि पेरेंट्स की हर एक समस्या नू असी मिलजुल के ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो बाकी दियां गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल है वह कुंवर रंजन जी करनगे की प्रॉब्लम हुई सी और बहुत शॉर्ट दे विच असी तुहानू दसना चाहते हैं ताकि तुसीं कोई भी प्रॉब्लम होवे तो वह साढ़े तक पहुँचा सको। मैनू दास नू कई लोग जानते ने, कई नहीं जानते ने, मेरा नाम रजिंदर कई है, पेरेंट्स एसोसीएशन लुधियाना और पंजाब दे विच मैं वर्कआउट कर रहा और सारा सिस्टम जिहड़ा है मैं आप चला रहा। सो मैं आस करदा कि तुहानू कोई भी स्कूल की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो तुसीं साढ़े तक जरूर पहुँचाओ। मेरा नंबर है 9803080309। बाकी दी गल तुहाडे नाल पेरेंट्स खुद करनगे जिहड़े साडे नाल डील कीता सी उन्होंने और ये मुद्दा तुहानू समझाणगे। कुंवर रंजन जी नमस्कार। दोस्तों मैं सबसे पहले राजेंद्र घई जी और उनकी पूरी टीम पेरेंट्स एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मुद्दा BCM स्कूल चंडीगढ़ रोड सेक्टर 32 का था। एक बच्ची का इन्होंने नाम काट दिया एनुअल फंड के नाम पर और न सिर्फ नाम काटा बल्कि बच्ची को पेपर में भी नहीं बैठने दिया गया, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। मेरे संज्ञान में ये मसला आया, मैंने इस मुद्दे पर राजेंद्र घई और पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों से बात की क्योंकि मैं भी पिछले 7-8 सालों से शिक्षा आंदोलन से जुड़ा हूँ तो मुझे लगा कि बिल्कुल ये अनलीगल है और इस पर कदम उठाना चाहिए। इसमें जितनी सूझबूझ से पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों ने, राजेंद्र घई जी ने इस मसले को लिया और पेरेंट्स एसोसिएशन को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। स्कूल प्रशासन को झुकना पड़ा, न सिर्फ बच्ची का उन्होंने दोबारा से नाम एडमिट करा बल्कि जो एनुअल चार्जेज के नाम पर एक बहुत बड़ी रकम लूटी जा रही थी उससे छुटकारा मिला। साथियों मैं आप सबसे भी विनती करता हूँ कि पेरेंट्स एसोसिएशन आज पंजाब की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, हम सब साथी मिलकर पेरेंट्स एसोसिएशन का साथ दें और मैं भी व्यक्तिगत तौर पे अपने NGO की तरफ से स्वयं खुद भी पूर्ण रूप से राइट टू एजुकेशन एक्ट को पूरी तरह लागू करवाने के लिए और एनुअल चार्जेज के नाम पर जो प्राइवेट स्कूल की ये लूट है इसको बंद करवाने के लिए अभी हम सभी पेरेंट्स को एक मंच पर आना ही होगा और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल इस मुद्दे पर लूट करती है और अपनी मनमानी करती है ये ना सिर्फ गैर संवैधानिक है
बल्कि एक धक्केशाही भी है। मैं एक बार फिर से पेरेंट्स एसोसिएशन और राजेंद्र घई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं जिस तरह से वे कार्य कर रहे हैं। शुभकामना देता हूं कि आगे भी संगठित होकर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो मुहिम चलाया है इन्होंने, इसको आगे बढ़ाएं। मैं तन मन धन से पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ, राजेंद्र घई के साथ और देश के पेरेंट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर दिन रात चलने के लिए तैयार हूँ। जब तक राइट टू एजुकेशन एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, शिक्षा का अधिकार कानून जिसमें 25% गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात की गई है उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करवाते, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज मैं इस मौके पे अपनी तरफ से, अपनी एनजीओ की तरफ से राजेंद्र घई जी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान करता हूँ और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।